हेलो फ्रेंड, ये देखिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिक्स रायता जो हम रोज़ बनाते हैं, पर मैं रेसिपी कभी भी नहीं बताती हूँ। तो ये है, हमने प्याज टमाटर और खीरा काट लिया है और जीरा भुना हुआ है। तो ये है, अब मैं इसमें दही मिला दूँगी जो हमने बाज़ार से ख़रीदी है, ये वाली। जी फ्रेंड देखिए, हमने आधा किलो दही डाल दिया और अब इसके अंदर डाल देते हैं ये बर्फ। तो ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है जब बन के तैयार हो जाता है, और जब खाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है क्योंकि गर्मी में ये अच्छा लगता है। इसमें सारी सब्जियां भी आ जाती हैं और जैसे खीरा ठंडा हो गया, टमाटर हो गया, तो ठंडे की ठंडी होती है और खाने में भी टेस्टी होता है। ये देखिए, मैंने बर्फ़ भी डाल दिया इसके अंदर और ये हमारे पास रखा है वाइट नमक, तो मैं दोनों नमक डालूंगी इसमें, और ये काला नमक, और एक करेले मैंने काट के रख दिए, मैं सुबह बनाऊंगी, इसमें नमक लगा के रख लूँगी। तो मैं करेले ऐसे ही बनाती हूँ, भरवा करेले होते हैं उसमें तेल ज़्यादा हो जाता है तो मेरे को अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं ये बनाऊँगी ऐसे ही। तो फ्रेंड इसमें नमक डाल देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, काला नमक मैंने डाल दिया है देखिए, और ये मैं वाइट नमक भी डाल देती हूँ, और मैं नमक सिर्फ कम ही डालती हूँ क्योंकि जब खाना होता है तो सब फिर अपने अपने सामने डाल लेते हैं, तो इसलिए कम ही डाल देती हूँ। सब अपने अपने सामने डाल लेंगे जब, अगर किसी को कम ज़्यादा लगेगा तो। फ्रेंड ये देखिए, इसमें भुना हुआ जीरा है तो ये जीरा भी डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए, हमारा रायता बनते हो गया तैयार, और फ्रेंड ये बहुत टेस्टी बना है, तो देखिए बहुत अच्छा बना हुआ, तो खाने में बड़ा टेस्टी है, और आप भी खाइए, आप अपने घर में भी बनाइए। बूंदी का भी बनाते हैं पर ये ज़्यादा अच्छा लगता है बूंदी से, और अगर ये रायता बनाने के लिए तरीका आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।